सत्यानाश हो उस काले नाग का। जमीला, हैदर के सामने उस जालिम का जिक्र बार बार मत करो। अरे हाँ, वो मुन्ना कहाँ है? वो तो ड्राइंग रूम में सो रहा है। चलो मुन्ने के पास चलते हैं। हैदर बेटे, तुम जो दूध पीकर सो जाओ। हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। ओके बेटा। मेरा बच्चा निकल कहीं ना जा। पुरानी फितरत है काले नाक की कि दूध पिलाने वाले को भी टस लेता है। तेरे खसम को मेरे भाई की जान लेते हुए खौफ नहीं आया, और मुझे भी तेरे बच्चे की। तुम जैसे गंदे खून की पैदावार से और तवक्को भी क्या की जा सकती है काला नाक? तो फिर आज के बाद तेरे अच्छे खून में गंदगी की मिलावट काला नाक करेगा। लेकिन उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। काला नाग सुल्तान, ये मेरे भाई के कातिल इंस्पेक्टर दलावर का बेटा है, जिसे मैं अभी मौत की नींद सुला करा रहा हूं। इसे चोरों की नानी के हवाले कर दो और कहो उसे कि इसके अच्छे खून में अपने गंदे खून की ऐसी मिलावट पैदा कर दे कि रहती दुनिया तक चोर और सिपाही की कहानियां बनती रहे। सरदार, इस ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ राजा चोर है। उस साले को बुलाए हुए एक घंटा हो गया, वो सुअर के बच्चे अभी तक उसे लेकर क्यों नहीं पहुंचे? सरदार, यही रहा चोर है सरदार। नखरे कर रहा था इसलिए इसे उठाकर लाना पड़ा। तुम्हें सुल्ताना डाकू ने याद किया है? जनाना डाकू? मेरा मतलब है कि सुल्ताना डाकू साहब, वैसे आपके इन कुत्ते बिलों ने मेरे साथ ज्यादती की है। अभी अभी मेरे न्यूयॉर्क के डाकुओं के साथ फोन पे मुजाकरात चल रहे थे, वो वहां के सेफों के ताले खुलवाने के लिए मुझे यहां से बायर अमेरिका बुलवाना चाहते थे, लेकिन आपके इन मिस्टर राजा ताला इस सेफ का खोलना है। वैसे मैंने कब कहा है कि ताला आपका खुलना है? बात यह है कि ताला खोलना मेरा शौक नहीं, मेरा पेशा है, और मैं लूटा हुआ माल 50-50 करता हूं। इस सेफ का ताला ना खुला तो मैं तेरे जिस्म को 50-50 कर दूंगा। अकड़ बकड़ संदे पो असी नवे पूरे सौ। लो सरदार। ताला खुल गया। ये क्या है? अब तुम्हारे दिमाग का ढक्कन मैं खोलूंगा। ओए माल संभालो, पुलिस आ गई है, जल्दी करो, जल्दी करो। ओए तू तो इधर मर। ओए कमीने, ओए भागते चोर की लंगोटी ही सही। निकल राजा। इंस्पेक्टर साहब, गोली मत चलाना, मैं डाकू नहीं जरगमाली हूं। अरे मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। बाय द वे, कौन है आप? तुम्हारा बाप। मेरा बाप? शट अप। ये तो मीरा अम्मा निकली। या अल्लाह, अगर मैं ये नकली हारा ना बजाती
तो डाकुओं ने तुम्हारे सर का ढक्कन खोल देना था। अब लाओ मेरा माल दो। चल चल माल दो, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? अरे रिश्ता, तू चोर मैं सिपाही। मेरी परवरिश करने वाले बहिश्ती उस्ताद मोहतरम, जुर्म की दुनिया में लोग तुम्हें चोरों की नानी के नाम से याद करते हैं और तुम्हारे इस शागिर्द को चोरों का राजा कहते हैं। तुमने सारी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे जितने तुम्हारा ये शागिर्द एक ताला खोल के कमा लेता है। यकीन ना आए तो ये देखो। मुझे का टाइम खत्म हो गया है। आओ राजा। मुजरा क्यों बंद कर दिया है चंदा? तुम्हारे सामने घुंघरू बांधकर नाचते हुए मुझे शर्म आती है। तो घुंघरू खोलकर नाच लो, कमाल है। इन घुंघरुओं की बदौलत तो तुम्हें यह पैसा मिलता है, वो पैसा जिसके लिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर चोरियां करता हूं। तुम ये पैसा ठुकरा रही हो? तेरी खातिर चंदा सारी दुनिया को ठुकरा सकती है राजा। माना कि पैसा हर चीज खरीद सकता है मगर दिल नहीं। मैं नहीं मानता। इस बाजार में बरसों से बाबा दीना सीखों पर दिल ही तो परोके बेचता है। मैं कोनों पर सेके हुए दिल की बात नहीं कर रही, मैं तो उस धड़कते हुए दिल की बात कर रही हूँ जिसमें सिर्फ तेरा प्यार बसा है राजा, और मेरी हर सांस तेरे इश्क की माला जपती है। फिर वही इश्क, इश्क, इश्क। मुझे इश्क नहीं, मुश्क चाहिए। अगर तेरे कोठे से नहीं मिलेगी तो कहीं और से जाके ले आऊंगा। क्या तुम कहीं और गए तो मैं तुम्हारी दुनिया अंधेर कर दूंगी। Thank you.
तूने मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया, मगर आज अगर तुमने माल 50-50 नहीं किया तो मैं शोर मचाकर सारा घर इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी। अच्छा, ये तेरी फूफी का घर है जो शोर मचाने पर सिर्फ मुझे पकड़ेंगे, तुझे नहीं। चलत। अरे क्या तुम राजा मेरा माल दो। 50-50 भागो भागो। अच्छा जनाब। ओए चापा, आज तो उत्तों ही चापा पै गया। और तुम ट्रक के अंदर फंसी बना रहे हो और की बार पिलाइए। अरे भाई छोड़ छोड़। ओए सॉरी, उठ जाइए चिल्लर बादशाह। अरे पीछे हट। हवलदार भैया, प्लीज मुझे बचा ले वरना ये जालम कब से मेरी इज्जत की धज्जियां उठा चुका होता। अबे बोल। मैंने दरअसल इसे बेसहारा समझ के किसी के ट्रक में लिफ्ट दी थी। अबे आओ गिलगित के लोमर, तू तो पीछे हट। अबे लिफ्ट दी थी वो भी ट्रक के पिछले पास से। दिखो दिखा। इसमें तुम्हारी बीवी और तुम्हारी फूफी के जेवरात है। देखता हूँ। अच्छा अबे ये सब कुछ कहाँ से लाया? अबे बता मुझे। हवलदार भैया, इन नोटों के बदले से मेरी इज्जत खरीदने की कोशिश की और जब मैंने इनकार किया तो इसने मेरे जेवर भी उतार लिए। अबे दोस्त, ये सरासर बकवास कर रही है, ये एक नंबर की चोरनी है। अबे शक्ल से तो तू चोर लग रहा है, चोर के बच्चे एक शरीफ और मासूम, इतनी शरीफ बच्ची पे तो इल्जाम लगा रहा है। ओ चल इसको चार्जर सेल में बंद कर दो और लगाओ इसको। चल बे चल। पर मेरी बहन ये ले लो अपने देवर, कल सुबह थाने बयान लिखवाने जरूर आना। ओके हवलदार भैया, शुक्रिया। रो मत, शाबाश। ओके। या अल्लाह, रोज ऐसी शरीफ बच्चियां थाने में आए। आमीन। राजा, और इसमें तरीके केस में हवालात में बंद है। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत? और मेरी? आपको गलतफहमी हुई है साहब, अपना तो ना कोई आगे है ना पीछे, जमानत कौन कराएगा? चलो चंदा, देखो मैं ओ, 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 ये तुम मेरे साथ दादागिरी कर रही हो। अच्छा, तुम जो हवस के पुजारी बनके कमारी लड़की की इज्जत लूटने लगे थे वो क्या दादागिरी नहीं थी? वो तो ऐसे ही मैं रिहर्सल कर रहा था। और तुम जो सेक्सी बिल्ले बनकर कमारी कबूतरियों पर झपट्टे मारते फिरते हो वो तुम्हारी नजर में नेकी का काम है? ये हवाई मेरे किसी दुश्मन ने उड़ाई है। हाँ हाँ, तुम तो क्लिंटन के भतीजे हो ना, क्या आधी दुनिया तुम्हारे दुश्मन है? ना मैं पूछती हूँ तुमने गैर लड़की की इज्जत पर हाथ डाला क्यों? मैं मर गई थी क्या? आखिर मुझ में क्या कमी है? मेरी जान, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो खुद एक पटाखा हो। पटाखा पटाखा पटाका 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 पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। ओ कुड़ी
पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। करना पड़ेगा कुछ तो यारो, करना पड़ेगा कुछ यारो, इसे प्यार की मस्ती चढ़ गई चढ़ गई। पटाका पटाका पटाका, बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई। बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई। पटाके कुड़ी पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। लेकर पांव तक है जालिम बड़ी नशीली, और रचल काते होंठ रसीले, आंखें हैं सुरमीली, सर से लेकर पांव तक है जालिम बड़ी नशीली। जी करता है नशा ये गारा, तुझको आज पिला दूं हाय। जी करता है नशा ये गारा, तुझको आज पिला दूं, हो डाल के जुल्फों की जंजीरें, कैदी तुझे बना दूं। पड़ेगा अब तो जोर लगाना, पड़ेगा अब तो जोर लगाना, कांटे से मछली अर गई पटाका पटाका पटाका। बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई। ओ कुड़ी पटाके पटाके, कुड़ी पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। मैं पूरे जानू तेरे, वो जब डालूंगा गोरे बदन को मैं बाहों के घेरे। लाख बचाया दामन फिर भी, लाख बचाया दामन फिर भी, आंख ये तुझसे लड़ गई पटाका पटाका पटाका। ओए कुड़ी पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। कुड़ी पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई। करना पड़ेगा कुछ तो यारो, करना पड़ेगा कुछ यारो, इसे प्यार की मस्ती चढ़ गई पटाका पटाका पटाका। बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई। बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई। पटाके पटाके, कुड़ी पटाके वर्गी लोगों मेरे पीछे पड़ गई।
अरे छोड़ो मुझे, इधर आ। छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, कौन है तुम? भागती कहाँ है साली? छोड़ना नहीं साहब इस छोटी को, इसने मेरे बच्चे छोड़े। ठीक है ठीक है, तुम लोग अपनी रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचो, मैं इस चोरनी को माल समेत थाने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है साहब, चलो भाइयों, चलो आओ, चले चलो बैठो गाड़ी में। गाड़ी में? साहब जी खुदा के लिए सारे पैसे ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। रिश्वत देती हो और वो भी इतनी कम। बैठो। यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है साहब। ये दिल जलों का पुलिस स्टेशन है मिस मीरा। राजा तुम? राजा, वही राजा जिसे तुमने इज्जत लूटने के केस में अंदर करवाया था। नहीं, मुझे माफ कर दो राजा, तुम्हारी आंखों में लाल लाल डोरे मुझे चीखने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मैंने चीख मार दी तो? वो तो ऑलरेडी निकलेंगी, लेकिन फिर भी मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हारा ये इरादा पक्का है तो फिर मैं इस मौके पर अपनी बहनों को सिर्फ एक ही मशवरा दूंगी। वो क्या? कि वो लाल मिर्ची का पाउडर अपने पास जरूर रखे। ओ, 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 मर गया। ओ, 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 किधर हो? ठहर जाओ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, एक मिनट आके खुलने दो। गाड़ी गाड़ी रुक, ओ, ओ, कोई बात नहीं, ले जाओ गाड़ी, तेरे बाप की है। आए लाइसेंस प्लीज। ओ, ओ, अरे वो तो घर में पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन दिखाइए। वो दूसरी गाड़ी में है। ये आपकी मिठाई, अब मैं जाऊं? रिश्वत, वो भी ऑन ड्यूटी? रिश्वत हमेशा ऑन ड्यूटी ली जाती है, ये कम है तो और दे दूं? शट अप। हवलदार। यस सर। ये वही गाड़ी है जो आज सुबह चोरी हुई है। तुम इस चोरनी को थाने ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। चोरनी और मैं? नहीं। चलो। अरे चलो थाने। अरे क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, गाड़ी कहाँ से चुराई थी? तोबा तोबा तोबा, आजकल की लड़कियां देखो और इनके करतूत देखो। अरे मेरी जुबान मत खुलवाओ, मैं तुम्हारी बीवी के करतूत भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सामने देखो है? और तुम भी देखो। इसमें तो मुझे पहले शक था, कहूंगी लड़की है। चलो पकड़ो। तो? क्या हुआ? वो लगता है कि आज फिर तू अपने उन पुराने रास्तों से भागती आ रही हो। क्या करूं, दूसरों की जेब मेरी कमजोरी है। जाने क्या होने लगता है मेरी उंगलियों को जब मैं किसी की जेब देखती हूँ। मेरा जी चाहता है कि वो जेब मेरी कमीज में लग जाए। इसका मतलब है कि तू चोरी किए बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना? अरे जिंदगी तो तेरा प्यार है, चोरी तो जिंदा रहने का बस हल्का फुल्का आसरा है। छोड़ नहीं सकती तू इस बुरे काम को? कई बार जी चाहा, मगर वो ना कर सके जो जी चाहता है, वो करना पड़ा जो हालात चाहते हैं। देख, मैं ये चाहता हूँ कि तू ये काम ना किया कर। मैं ये काम छोड़ दूं तो जिंदा कैसे रहूंगी? मेहनत मजदूरी कई काम है, अगर इंसान चाहे तो। आज तेरे मुंह में दुनिया की जुबान किसने रख दी? ये रोज रोज आगे तू पीछे पुलिस, अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या करूं, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, मगर क्या करूं, माँ बाप की वफात के बाद दुनिया की ठोकरों ने मुझे जिस रास्ते पर डाल दिया उस रास्ते पर टूटे पत्ते की तरह उड़ रही हूँ। कोई दामन कोई आसरा कोई सहारा मिला तो सोचूंगी जिंदगी क्या है, अच्छा बुरा क्या है। मैं जो हूं तेरे लिए तो औरत भी क्या है, मर्द की एक हां को दोनों जहां समझ लेती है। कॉलेज में मेरा ये आखिरी साल है,
फिर मैं तेरे रास्ते भी बदल दूंगा और मंजिल भी। सच? I love you। लगता है सेठ हीरा कोई बहुत बड़े सौदे के लिए आ रहा है। उसके मैसेज से तो यही लगता था। सेठ हीरा अच्छी तरह जानता है कि यक्का पहलवान के बगैर इस शहर में कुछ नहीं हो सकता। हमारी इजाजत के बगैर यहाँ चोरी नहीं हो सकती। हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कोई डकैती नहीं मार सकता। हमारी इजाजत के बगैर ना शादी हो सकती है ना तलाक हो सकती है। वो और बात है कि सुसरी हमारी बेगम भाग गई है। काम असली हो या नकली, यक्का पहलवान की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता। सेठ हीरा का आना हमारी गुड लक है। हाँ देखो वो क्या ऑर्डर करता है। रकम पूरी हो तो यक्का पहलवान आसमान का भी सौदा कर ले। जमीन तो मामूली चीज है। वेलकम सेठ हीरा। ना ही बेगम ना ही बादशाह हमारी जान, हमें कहते हैं यक्का पहलवान। थैंक यू। कैसे हो यक्का पहलवान? अरे जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है। बड़ी स्मार्ट लग रही हो ब्लैक कैप। लगता है इरादे को चूंचे भी हैं और खतरनाक भी। थैंक यू। आपका अंदाजा गलत नहीं है। आइए आइए। अब की बार एक बहुत बड़ा मिशन है। काला नाग कैसे कांटेक्ट हो सकता है? काला नाग से क्या काम है? शहर की जरूरत हो तो नाग को तलाश करना ही पड़ता है। अरे काला नाग भी मिल जाएगा। पहले तुम्हारे आने की खुशी में जश्न होगा, मौज मेला होगा। 3 बजेगी तो काला नाग खुद बखुद आ जाएगा।
वेरी गुड एक्सलेंट एक्सलेंट माय डियर एक्सलेंट। काला नाग लगा देगा आग। ये तुमने क्या किया काला नाग? गद्दार को सजा दी है। जिम्मी गद्दार कैसे हो सकता है? ये तो हमारा साथी था। इसके पाँव में और इसके कान लगे हुए हैं। है? पाँव में कान? ये कैसे हो सकता है? है? ये देखो, ये पुलिस का मुखबर था। शाबाश काला नाग, तुम्हारी जहानत की वजह से हम तुम्हारी कदर करते हैं। हमारा नया मिशन भी तुम ही पूरा करोगे। कहो सेठ हीरा, काला नाग लगा देगा आग। कहीं मत तो मैं जरूरत पूरी करूंगा। लाहौर बैंक के लॉकर में हमने कुछ कीमती हीरे अपने एक वर्कर वाल्गा के नाम पर रखे हुए थे। वाल्गा पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या वाल्गा को जिंदा करना है? नहीं नहीं नहीं, वाल्गा की मौत का हमें कोई गम नहीं। फिक्र है तो अपने कीमती हीरों का, वो हमें हर कीमत पर वापस चाहिए। क्या मिलेगा? हीरे हमें ला दो, 1 करोड़ रुपया हम तुम्हें देंगे। इसमें लॉकर नंबर और हीरो की शनाख्त लिखी है। ओके। हम 13 तारीख को फ्रांस से वापस आएंगे। हीरे हमें दे देना, 1 करोड़ रुपया हम तुम्हें दे देंगे। डन। इस नक्शे को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं चीफ कि बैंक लॉकर्स तक पहुंचने से पहले हमें इस इलाके की नाकाबंदी करना पड़ेगी। नहीं सुल्तान, इस डकैती में कम से कम साथी चाहिए, इसलिए कि यह वीआईपी एरिया है। यहां पुलिस गश्त जरूरत से ज्यादा है। फिर तो हमें लॉकर तोड़ने के लिए भी कम से कम वक्त चाहिए, और इस कम से कम वक्त में लॉकर सिर्फ राजा चोर ही खोल सकता है। राजा चोर कहां है वो साला? अंकल, काश आज मेरा मरहूम दोस्त जिंदा होता तो काला नाग तेरे पास चलकर कभी ना आता। राजा, नो सेंटीमेंट्स, नो सेंटीमेंट्स डाकू अंकल। यह जमाने का दस्तूर है कि प्यासा चलकर हमेशा कुएं के पास आता है, और मैं अपने काम का 50% लेता हूं। अपने बाप के दोस्त के साथ सौदेबाजी करता है? नहीं सुल्तान, नहीं। हमें अपने बरखुरदार की हर शर्त मंजूर है। सुनो राजा, जिस लॉकर को तुमने तोड़ना है उसमें करंसी नहीं, हीरे हैं। हीरे, उनकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। 50 लाख तुम्हारे, 50 लाख हमारे। डन? डन। सुल्तान, तुम गाड़ी में रहो, अगर कोई खतरा महसूस करो तो 2 बार हॉर्न बजा देना। और अच्छा, जल्दी करो राजा, जल्दी करो, चलो ना।
अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ करोटो तितर मोटा चल मदारी पैसा फोटा फितरत है काले ना की कि वो तो पिलाने वाले को भी टफ लेता है। रुपये तक खेलो, आखिरी सांस तक खेलो, अरे उस वक्त तक खेलो जब तक कि तुम लोगों का दम ना निकल जाए। ना ही बेगम ना ही बादशाह हमरी जान, हमें कहते हैं यक्का पहलवान। अस्सलाम वालेकुम पहलवान। अरे अरे दिनवा कैसे आना हुआ? खेलने आया हूं। तो खेलो, ये लो इसे नोटों में बदल दो। अच्छा, भाई तो ये 500-600 रुपए की चीज, ये 2000 रुपया रख ले। ऐश कर, खुश रहो पहलवान। अरे सुल्तानवा चाचा, आओ 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 आओ, हीरे ले आओ सुल्तानवा चाचा। हाँ, इस ब्रीफ केस में है। मैंने तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दिया है, अब तुम मेरी जरूरत पूरी करो। तुमने वादा किया था ना? बैठो बैठो, हम तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। यक्का पहलवान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन अपनी जबान से नहीं फिर सकता। कितने में हो जाएगा तुम्हारी बिटिया का ब्याह? फसरतें तो बहुत सी हैं यक्का पहलवान। मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए जिंदगी में स्याही मिलाई है। जानते हो, मैं जान पर खेल कर लाया हूं ये हीरे। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं सुल्तानवा चाचा। हमारा और तुम्हारा जो तय हुआ था उसकी ये पहली किस्त है। हीरे बिक जाएंगे, बाकी रकम तो उस तक पहुंच जाएगी। मेहरबानी, थैंक यू। गुड लक। अब ये हीरे हमरी संगदिल बिल्ली को
हमारी बाहों में ले आएंगे। यस, ब्लैक कैट स्पीकिंग। हाँ काली बिल्ली, अरे अगर तुम शेर की खाला हो तो हम भी शेर के खालू हैं। छिछड़े खाओगी हमारी जान? मैं तुम जैसे छिछोरों का खून पीती हूँ, कौन है बदतमीज? अरे ना ही बेगम ना ही बादशाह हमारी जान, हमें कहते हैं यक्का पहलवान। ओ टांगा, तुमने मुझे फिर फोन कर लिया। अरे तुझे कितनी दफा कहा है सुसरी, हमारा नाम टांगा नहीं यक्का पहलवान है। हाँ एक ही बात है, जल्दी बको, फोन क्यों किया है? हम ये बताना चाहते हैं कि सेठ हीरा के हीरे हमारे कब्जे में है। लगता है तुम नशे में हो। अरे हमरा यकीन करो कि स्मगलरों की नानी हमरी दिल भर जानी, सुन ली तुमने कहानी या डाले कोई नई कहानी? शट अप, मुझे पल पल की खबर है, काला नाग पकड़ा जा चुका है और लॉकर तोड़ने वाला राजा चोर पुलिस कस्टडी में अस्पताल में है, समझे? हाय हाय, नहीं थोड़ा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ, नहीं आप समझ नहीं रही। उफ, अगर आप अपने ये हाथ किसी मुर्दे को भी लगा दें तो वो भी जिंदा हो जाए। उफ क्या जादू है इन हाथों में, क्या जादू है। लेडी डॉक्टर साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप जब भी डाल के देखें मैं ठीक हो गया हूँ। शुक्रिया जी, आप बिल्कुल ठीक है। आए, दुख इसी बात का है कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ। अब मेरा मतलब है कि दुख इस बात का है कि आप अभी तक इतनी अच्छी लेडी डॉक्टर होके इस सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजमत करती हैं। आपका तो कोई अपना क्लिनिक होना चाहिए, कोई प्राइवेट क्लिनिक। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, क्लिनिक नानी और चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा, पैसा तो मसला ही नहीं है, पैसे का मसला तो अपना सेठ है ना। सेठ हाबिद? हाँ मेरे मामू है, वो मसला हल कर देंगे, मसला ही कोई नहीं है। वो तो मेरे एक इशारे पे लाखों निछावर कर देते हैं, पैसे मैं उनसे ले आऊंगा, बस एक शर्त है। तो क्या? मुझे जरा हॉस्पिटल की जितनी भी चीजें जितना भी सामान आएगा उसकी लिस्ट बना दें ताकि सामान लाने में मुझे जरा आसानी रहे। चले चलो चलो चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दिजात होवे। आओ नहीं ताइयां किधरे ते वदाइयां किधरे, मैंने तुम्हारी नई जिंदगी के लिए दुआएं इसलिए मांगी थी कि तुम होश में आते ही इस छिपकली की बाहों में बाहें डालकर चल पड़ो। नहीं ये ऐसे ही थोड़ी देर के लिए चेंज चाह रहा था मैं। मेरा मतलब है कि मैं लेडी डॉक्टर को मशवरा दे रहा था कि अपने उते भी ध्यान दो तो चार बोतलों ग्लूकोज लो आ लो, पर कोई नहीं। अच्छा तो वो भी बंद कमरे में? बा, 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 बा। तुमने मुझे भी बंद कमरे में सरगम सिखाने की कोशिश की थी। अच्छा ना खुद सरगम सीखती हो ना किसी को डॉक्टरी सिखाने देती हो, मेरा मतलब है कि जी आप शोर मत करें, ये हॉस्पिटल है। हाँ चलो बाहर, हम बातें कर रहे हैं। मैं कहती छोड़ दो मेरे बाल, तुम्हें लव सीन करते हुए हॉस्पिटल दिखाई नहीं दिया? हाँ और ठहरो, लड़ो नहीं, और देखो मैं दोनों की बात मानूंगा, नाराज नहीं करूंगा। एक वेरी गुड, पोलो पहलवान नीचे और सुपड़ी पहलवान भी नीचे, ये वेरी गुड, एक दो तीन द विनर। विनर लेडी डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा था कि अपने उत्ते ध्यान दो तो चार बोतल ग्लूकोज दिया लवा लो, कर अल्लाह है। ओ क्या शोर मचा रखा है राजा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना है। आप जाएं, मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ, बस ये जुर्म करने से पहले सोचना था। चलो चलते हो या यहीं से छितर पर शुरू कर चले। चलो चले, ये पकड़े। नहीं रास्ते खुदा हाफिज चंदा। चलो खुदा ही हाफिज। जी चाहता है कि तुम्हें इस दुनिया से दूर कहीं ले जाऊं। कहां? प्यार के राजमहल में, जहां तुम्हारा राज हो, तुम्हारी हुकूमत हो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि हुकूमत बादशाह करते हैं कनीजे नहीं। और मैं तुम्हारी कनीज हूं, मेरे दिल मेरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। सच? सच। Thank you.
फिर से कहना जरा फिर से कहना, प्यार मिला मुझको तेरा, प्यार मिला मुझको तेरा, लोगों से अदावत हो गई, लोगों से अदावत हो गई, पहली नजर में जाने वफा, पहली नजर में जाने वफा, पहली मोहब्बत हो गई, पहली मोहब्बत हो गई, ओ जरा फिर से कहना, ओ जरा फिर से कहना, जाती आंखों के ख्वाबों में ढूंढा है जिसका चेहरा मैंने सुबह शाम गुलाबों में, दो दीवाने मिले प्यार में, दो दीवाने मिले प्यार में, रस्मों से बगावत हो गई, रस्मों से बगावत हो गई, पहली नजर में जाने वफा, पहली नजर में जाने वफा, पहली मोहब्बत हो गई, पहली मोहब्बत हो गई, ओ जरा फिर से कहना, ओ जरा फिर से कहना, अब से पहले तू रहती थी जानम चांद सितारों में, कर लिया तुझको बंद सनम इस दिल की दीवारों में, धड़कनों के सांस फिर गए, धड़कनों के सांस फिर गए, लम्हों की इनायत हो गई, लम्हों की इनायत हो गई, पहली नजर में जाने वफा, पहली नजर में जाने वफा, पहली मोहब्बत हो गई, पहली मोहब्बत हो गई, ओ जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना, देखा तुझे दिल पे मेरे, देखा तुझे दिल पे मेरे, तेरी हुकूमत हो गई, तेरी हुकूमत हो गई, पहली नजर में जाने वफा, पहली नजर में जाने वफा, पहली मोहब्बत हो गई, पहली मोहब्बत हो गई, जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना, Thank you.
करो। सर अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है। ओए पानी लो। पानी की क्या जरूरत है, गाड़ी का इंजन खोल, मैं उसमें थूक देता, इंजन खुद बहुत ठंडा हो जाएगा। मुंह संभाल के बात कर वरना तुम्हारी ये गिनती तुम्हारे मुंह में घसेड़ दूंगा। मुझसे पंगा लेता है। ब्लडी क्रिमिनल्स। वेल डन इंस्पेक्टर हैदर। सर तुमने आते ही हीरों का कारोबार करने वालों को पकड़कर कानून का सर बुलंद किया है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब तुम इस मूजी डाकू को गिरफ्तार करके इन सलाखों में बंद कर दोगे जिस पर हम 5,00,000 का इनाम रख चुके हैं। सर हैदर कानून का वो सिपाही है जिसे ना ही इनाम की लालच है और ना ही तरक्की की हवस। ये वर्दी मेरी चमड़ी है और ये मुझे मेरे जाति दुश्मन, चाहे वो ये हों चाहे वो आपका ये डाकू। काला नाग है जिसने आग बन के मेरे सुहाग को भी जलाया और तुम्हारे बचपन को यतीमी के आंसू भी दिए। इसने तुम्हारे भाई का अगवा किया था, इसी ने। हाँ जिस तरह इस मनुष्य का चेहरा नफरत से तुमने मुझे दिखाया ना मां, इसी तरह उतनी बेरहमी से इसका अंजाम बनकर इसे तलाश करूंगा मां। और हां मां, इसी हरामजादे से अपने भाई का पता भी उगलवाऊंगा। इस सांप को आप कहां तलाश करोगे बेटा? पुलिस चाहे तो इंसान के जिस्म से निकली हुई रूह को भी तलाश कर सकती है मां। सांप के जबड़े से जहर और मुजरिम की जबान से राज उगलवाने के तरीके होते हैं मां। इसका एक साथी हवालात में बंद है, वो बताएगा कि कहां मिलेगा काला नाग। सर राजा वाला से भाग गया है और जाते हुए पुलिस की वर्दी भी साथ ले गया है। पुलिस की वर्दी भी साथ ले गया है। मुबारक हो चंदा, राजा हवालात से भाग गया है। क्या राजा हवालात से भाग गया है? चलो उसे तलाश करें। चलो तेरी तो मैं पकड़ा गया ना। शिकार मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ आई हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, आज ही अदालत में जाके शादी कर लेते हैं। फांसी, तुम्हें पता है कि माशूक और बंदूक सरेआम रखना कितना बड़ा जुर्म है? जी
जी वो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कौन हो, तुम यही जवाब दोगे कि हम मियां बीवी हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि निकाह नामा किधर है, तुम कहोगे कि घर में है, यही कहोगे ना? हाँ, तुमने दफा 111, 112, 113, 114, 115 के तहत बहुत बड़ा जुर्म किया है, अगर निकाह नामा तुम्हारी जेब में नहीं है तो इस वक्त तुम्हारी जेब में क्या है? सिर्फ 3000 रुपए। सिर्फ 3000 रुपया? इतनी महंगाई के जमाने में सिर्फ 3000 की डेट मारने आए हो? पहले क्यों नहीं बताया, खामखा कानून का वक्त बर्बाद किया है। बात सुनो जी, ये पूरा बाग तुम्हारे हवाले, लेकिन जरा एहतियात से, हर पुलिस वाला मेरी तरह शरीफ नहीं होता, जाओ अपना तुसी भी जाओ ते गंद पाओ। मैम, 1 2 3 यहाँ। मेरा हिस्सा कौन हो तुम? अबे वो जानता है, इस इलाके में पुलिस मेरी इजाजत के बगैर एक पैसा नहीं खा सकती। पता मेरा नाम क्या है? क्या है? जिला ट्रंक। जिला ट्रंक साहब, आप जाके इस ट्रंक में कपड़े सजाइए, पैसे सिर्फ सेफ में या इस जेब में रखे जाते हैं। अबे वो बेवकूफ, 50-50 कर ले, फायदे में रहेगा। कानून को धमकी देते हो, ले चलो तुम्हें थाने, ले चलो, बड़ा मजा आएगा। कानून से मजाक भी करते हो? चलो तो फिर इकट्ठे ही अंदर हो जाते हैं। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ये तो सीरियस ही हो गया, लगता है तुम पुलिस के पुराने ग्राहक हो। निकलो ए। अबे बच के कहाँ जाएगा तेरी तो? दुक्कड़ तंबा पाओ 80-90 पूरा 100 गलोटे तितर मोटा, चल सपाई पैसा छोटा। या होगा क्या अंजाम, दो दीवाने चल दिए सामान लेके, मौत का खुद खाने चल दिए, खुद खाने चल दिए। होगा क्या अंजाम, दो दीवाने चल दिए। खाने में होगा फैसला किस अपने मेल का, ओ इस अपने मेल का। दरवाजा जाके देखेगा प्यारे तू जेल का, दरवाजा जेल का। चिचो चिच गंडेरिया, दो तेरिया दो मेरिया, बड़ी मार खाएगा छोड़ दे हेरा फेरिया। Thank you.
थी तुझे पानी पानी, जब मैं अपने गले से लगाऊंगी। अपना बनाने आया, प्यार पूछने आया, प्यार निभाने आया, जो सबसे नशा छाया, भाग जगाने आया, हीर बनाने आया। मेरा पिया घर आया सहेलियो, 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 मेरा पिया घर आया नी सोनिए, मेरा पिया घर आया नी सोनिए, मेरा पिया घर आया नी सोनिए, मेरा पिया घर आया नी सोनिए। तू चोर मैं सिपाही हूँ, ये अपनी जंग है, हाँ ये अपनी जंग है। फिर तेरे मेरे खून का क्यों एक रंग है, क्यों एक रंग है। उकड़ दुकड़ तंबा पाओ अस्सी नब्बे पूरा सौ, सौ गलोटे तितर मोटा चाल सिपाही पैसा खोटा। या होगा क्या अंजाम, दो दीवाने चल दिए। चीजें पूरी है ना? जी हाँ। है? किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ। जी नहीं। जगह ठीक नहीं है। काला नाग तुम? काला नाग जेल ही गया था, कब्रिस्तान तो नहीं गया था। अगर अपनी बेटी और बेटी की इज्जत चाहते हो, मेरे हीरे टेरे पर ले आना और बेटी को ले जाना, वरना बेटी भी जाएगी और इसकी आबरू भी। नहीं काला नाग, नहीं, मेरी बेटी की बारात आने वाली है, इसीलिए तो इसे साथ लेके जा रहा हूं। अब देखना यह है कि बाप बनते हो या बेपारी। काला नाग, काला नाग, वाह, आज तो ताश की नई गड्डी की तरह लग रही हमारी छोकरियां। अरे दिल तो करता है फ्लैश के पत्तों की तरह तुझे फेंट के सारे यक्के अपने पास रख लूं, क्या ख्याल है तेरा?
इरादे क्या हैं? इरादा? प्रोग्राम बना लिया है। मर्जी क्या है यक्का चांची की? मर्जी? और तू पूछ रही है? अरे जी चाहता है तुझे ग्लास में खोल के पी जाएं, डिस्प्रिंग की तरह। जी तो मेरा भी चाहता है कि मेरे पास हीरे हो, मैं हीरो का हार पहनूं और दुनिया को दिखाऊं। यक्का चांची, आपके पास जो हीरे हैं कहाँ रखे हैं वो? हुआ अलमारी में। उस अलमारी में? हाँ। मुझे भी दिखाओ ना। अलमारी तो अब सुबह ही खुलेगी अमरीश जान, रात तो गुजर जाने दो। अरे ये कौन रंग में भंग मिलाने आ गया है? आ रहे हैं। अरे ये वक्त है दरवाजा खटखटाने का, हम खानदानी हैं, शरीफ आदमी हैं। शरीफ? अरे सराफत तो निकली हमारे घर से और ऐसी निकली कि फिर लौटी करना है। सर, चोरी का जेवर मैंने यके पहलवान के हाथ बेचा था और रकम भी इसी के डेरे पे हार गया था। अरे चुप रहा, ये वक्त किसी और काम का है, कानून अदालत पर चोरी का नहीं। इसे गिरफ्तार कर लो। अरे एक घंटे बाद गिरफ्तार करते तो दुआएं देते तुम्हें, एक बात याद रखना, ना ही बेगम ना ही बादशाह हमरी जान, हमें कहते हैं यक्का पहलवान। आओ। ए चिकनी, तेरे हुस्न की सारी खूबसूरती गौर से देखूंगा, लेकिन हीरे मिलने के बाद। चीफ, सुल्तान का फोन है। हाँ सुल्तान, हीरे कहाँ लेकर आ रहे हो? वो बात दरअसल ये है चीफ साहब कि वो जिसके पास हीरे हैं ना, वो पुलिस की हिरासत में है। तो फिर समझो सुल्तान, तुम्हारी बेटी काले नाग के शिकंजे में है। नहीं नहीं चीफ, नहीं, खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ ना कहना। जो हीरे का पहलवान बाहर आता है, हीरे तुम तक पहुंच जाएंगे। तो फिर उसी दिन तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी। हेलो, क्या हुआ पूजन? आप दोनों तो शादी की खरीदारी करने गए हुए थे। खुशियों की खरीदारी के लिए गया था और बर्बादी की खबर बनकर लौट आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? कहां है मेरी बहन? तुम्हारी ही बहन के हाथ पीले करने की आरजू में जो स्याही मैंने अपने हाथों पर लगाई थी, वही स्याही मेरी बेटी के नसीबों पर लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं अबूजान? मैंने अपनी गुर्बत को काला नाग की दौलत के पास गिरवी रखा था, मैं उसके गुनाहों का साथी भी था और उसके जुर्मों का शरीक भी, मगर आज आज मैं अपनी औलाद का मुजरिम बन गया हूं। बेटे, मैंने बेटी सीमा की जिंदगी बसाने के लिए काला नाग के हीरे छुपा लिए थे और आज काला नाग सीमा को हीरो की वापसी की शर्त बनाकर अपने साथ ले गया है। बेटे, अब अपनी आवाज और अपने आंसुओं को जब्त के पर्दे में छुपाकर पछतावा बने रहो अबूजान, वरना आपकी आवाज सुनकर और आपके आंसू देखकर दुनिया की हर बेटी बाप से नफरत करने लगेगी। मेरी गरज कहां है और काला नाग को मौत कहां आएगी, वो मकाम तलाश करना मेरा काम है।
भाई रात पार्टी बड़ी शानदार थी, खूब जान से जान टकराए। सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और यार सेठ की जवान साल बेटी का जिस्म कपड़ों से झांक रहा था। सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और देख नहीं रहे टेलीफोन पर बात हो रही है? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि क्या बात हो रही है। जरा एक मिनट होल्ड रखना। क्या तकलीफ है तुझे, बोल। सर सर मेरी बहन अगवा हो गई है। अगवा हो गई है या खुद किसी के साथ भाग गई है? अच्छी तरह छानबीन करके रिपोर्ट लिखी जाती है। और मल्ले के किसी लड़के के साथ चक्कर बकर तो नहीं था उसका? हो सकता है वो खुद ही कहीं गायब हो गई हो, अपने पेट में पलते किसी के गुनाह को छुपाने के लिए। थाने में गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी मैं नहीं, आपके लिए पुलिस वाला कर रहा है। मेरी पाकीज़ा बहन पर कीचड़ उछाला इसने। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शहबाज? सर मैं तो इसकी गुमशुदा बहन को। गुमशुदा नहीं, उसे उसे डाकू काले नाग ने अगवा किया है। काला नाग? कहाँ है काला नाग? उसके ठिकाने का इल्म होता तो खुद उसकी गर्दन मरोड़कर अपनी बहन को उसकी कैद से आजाद करा लेता। इंस्पेक्टर तुम लोगों के पास ना आता। देखो पुलिस वालों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिसे घुमाकर वो मुजरिमों को पकड़ ले। आखिर कोई ना कोई क्यों तो होता है। घंटा पहले काला नाग ने जिस फोन पर बात की थी उसका इल्म है मुझे। क्या नंबर है उसका? तुम पुलिस के घेरे में हो काला नाग, गिरफ्तारी दे दो वरना जिंदगी मौत में बदल जाएगी। तूफान को संचीरों में जकड़ने के ख्वाब देखने वाले बेवकूफ, काले नाग को गिरफ्तार करना उतना ही मुश्किल है जितना शेर के जबड़े में हाथ डालकर शिकार छीनना। हट जाओ मेरे रास्ते से वरना इस हसीना की खोपड़ी में सुरंग बना दूंगा। औरत का सहारा लेने वाले बुजदिल, 20 साल पहले तुमने जिस बच्चे को यर्गमाल बनाकर अपना भाई कत्ल करवाया था, आज वही बच्चा कानून का मुहाफिज बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। उस वक्त मेरे बाप ने तुझसे हार नहीं मानी थी तो आज मैं अपनी हार तुझसे कैसे मानूं कमीने? इसीलिए मैंने तुम्हारे बाप को इस दुनिया से रुख्सत कर दिया था। लगता है अब तुम्हारी बारी है। मरने की बारी तेरी है काला नाग, लेकिन तुझे मारने से पहले मुझे अपने भाई का पता तुझसे पूछना है। तुझसे पूछना है उल्लू के पट्टे। तुझे मारने के बाद तेरे भाई को कत्ल करके तेरे पीछे जरूर भेजूंगा। काले नाग को नहीं जानता सुवर की औलाद। Thank you.
वही जिस्म, वही फिगर। रीमा, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, तुम बाबर अली को छोड़कर मुझसे मिलने जरूर आओगी। मुझे पता है जब तुम बाबर अली को छोड़ के आई होगी, तुम्हारे गम में बाबर अली की जुएं बढ़ गई होंगी। उन्हें 5-10 रुपए दे के उन्हें कह के तेरे अपने वाल दे छोटे करा लवे। अब आ गई हो तो अपनी शक्ल तो दिखाओ। रीमा, आज रेदा मेकअप करके आई है, जरा चेहरा तो दिखा। बोलो इसे। बाहर निकलो, बाहर। मतलब छुट्टी? इंस्पेक्टर, कानून बदल गया या गवर्नमेंट बदल गई है? कुछ नहीं बदला। तुम्हें 15 दिन की रिमांड पर मेरे पास रहना होगा। 15 दिन? वो भी पुलिस वाले के साथ? तोबा तोबा, मुझे तो पुलिस वाले की शक्ल से भी सख्त नफरत है। चलते होगे? नहीं। अच्छा अच्छा, तुम तो आता भाई पे उतर आयो। मुझे हर हालत में इस मुजरिम का एड्रेस चाहिए। कौन मुजरिम? ये। इसकी तो मुझे भी तलाश है, पुराना हिसाब चुकाना है इससे। तो फिर बताओ कहां मिलेगा कालानाग? इसका पक्का ठिकाना तो कोई नहीं, अलबत्ता सुल्तान इसका पता बता सकता है। सुल्तान? कौन सुल्तान? तुम्हारे हाथों में तो किताबें थी, ये पिस्तौल कहां से आ गया? बहन की तलाश में किताबें मेरे हाथों से गिर गईं और मैंने ये पिस्तौल उठा लिया। बहन कहां खो गई? गुम नहीं हुई, काला नाग ने छीन कर कहीं छुपा दिया है। किस बात का बदला लिया है काले नाग ने तुमसे? मेरे बाप की मजबूरी ने काला नाग के हीरे यका पहलवान के हाथ बेच डाले थे और वही मेरी बहन की वापसी की शर्त बन गए। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने तुझसे प्यार किया है, तेरा दुख मेरा दुख है। चल चलकर देखते हैं यका पहलवान कहाँ है। तू क्या करेगी? पास जगहों पर औरत गोली से ज्यादा काम करती है। चलो चले। आ गए पहलवान। रही मुबारक। मुबारक हो गए। मुबारक। मुबारक हो गए। बाजी मुबारक। रिहाई मुबारक हो यका पहलवान। अरे नहीं बेगम, नहीं बादशाह अमरी जान, हमें कहते हैं यका पहलवान। हाँ, तुम जैसे बेवफा चोरों ने और जुवारियों ने हमरी मुखबरी करके हमें अंदर करवाया, लेकिन हमरा क्या गया? हमने तो जेल में भी कैदियों को क्रम से ही फेंकने की आदत डाल दी। अरे और तो और, जेलर की भी 2 दफा जेब खाली करवा दी हमने। वाह पहलवान वाह। अरे वाह वाह ही करेगा या हमरी रिहाई की खुशी में जशन मसन भी होगा। तेरे पर तो पहुंचो यका पहलवान, लाहौर के सारे जुआरी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खूब धमाका होगा। धमाका होगा? आज हमारा यार पीपा पहलवान फटेगा।
में हीर से आ, न मेरे दे कोई होड़ी ना होड़ी, न मेरे दे कोई होड़ी। ओ आज तो न जावे कोई बिल्लो दिखा, आज तो न जावे कोई बिल्लो दिखा। मैं बिल्लो को ना मद सोनी मद सोनी, मैं बिल्लो को ना मद सोनी, मैं बिल्लो को ना मद सोनी, हमरी चमक छल्लो आज रात। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भेजा इस कमरे की दीवारों पर न गिरे तो बताओ हीरे कहाँ है। ना ना ना, हमारा भेजा ना उड़ाना। अरे हमारा भेजा ब्रांड न्यू है, अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और जहाँ तक हीरो की बात है तो तुमको किसी ने गलत इतला दी है भैया। हीरे तो हीरा मंडी में ही मिलते हैं। मैं उन हीरो की नहीं बल्कि उन हीरो की बात कर रहा हूँ जो मेरे बाप सुल्तान ने तुम्हें दिए थे। सुल्तान? अरे ये तो जिंदगी में पहली दफा नाम सुना है हम। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। क्यों ना एक गोली इसके दिमाग की किसी ऐसी रग पर मार दी जाए जिससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं गोली ना चलाना, चालाक कातिल और मक्कार हसीना, हमारी याददाश्त वापस आ गई है। अच्छा वो सुल्तानवा चचा की बात कर रहे हो? वो जो हीरा हमारे पास रखवा के गए हैं और वो लॉकर में पड़े हैं। इसकी चाबी हमारे पास है। मीरा इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल खाली है, है? अरे अरे हमरे हीरे। लगता है हमसे पहले इसके हीरे को चुरा कर ले गया। लेकिन कौन हो सकता है वो? हीरे, मेरे हीरे। सेठ हीरा के आते ही काला नाग नहीं बल्कि मैं करोड़पति बन जाऊंगी। मैं हीरे, सिर्फ मेरे हीरे, मेरे हीरे। तेरे बाप को तेरी कोई परवाह नहीं, वरना सुल्तान अब तक मुझे हीरे देकर तुझे वापस ले जाता। वो जरीता तुम हो, तुम वो मरहूस मर्द हो जिसने अपने कारोबार के लिए एक भेड़ी की इज्जत को शर्त बना दिया है। अगर वो हीरे मुझे ना मिले तो फिर तू काले नाग के बिस्तर पर होगी सिर्फ चंद दिन और, फिर मैं शर्त को इंतकाम में बदल दूंगा। हेलो सुल्तान। सेठ हीरा सुनाओ कैसे हो? फाइन, मैं मजे को आ रहा हूं। आ जाओ, मिल जाएंगे हीरे। इत्मीनान रखो, काले नाग ने जो कह दिया समझो वो हो गया। बाय सेठ हीरा। चीफ, क्या पता चला? सुल्तान जेल के अंदर चला गया है और यक्का पहलवान बाहर आ गया है। अच्छा, फिर? हीरे यक्का पहलवान के पास भी नहीं है चीफ। क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ चीफ। तो फिर वो हीरे उस चोर के पास ही हो सकते हैं जो आजकल पुलिस की हिरासत में है। हराम ज्यादा राजा चोर।
क्लब है जहां काला नाग हमेशा उन लोगों को बुलाता है जिनको उसने डसना होता है। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? चोर और सिपाही अगर आपस में फेर ना होंगे तो दोनों का काम ठप हो जाएगा। उस्ताद कोई गड़बड़ नहीं है, आओ। तुम कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो? तुम्हारे साथ। किस लिए? क्योंकि तुम्हारा अंदर जाना अकेले ठीक नहीं। अच्छा, तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो भाई? बिल्ली का बच्चा अगर चार दिन साथ रह जाए तो उससे भी प्यार हो जाता है। तुम तो फिर इंसान हो इंस्पेक्टर। ऐसा लगता है कि इस संजीर के अलावा भी मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है। रिश्ता तो बहुत बड़ा है। तू चोर, मैं सिपाही, यहां से हिलना नहीं, समझे? हिले तो छोड़ूंगा नहीं। अभी आया।
लगता है जिंदगी से प्यार नहीं नहीं। अच्छा तो चलो तुम्हें काला नाग से मिला देते हैं। चलो चलो बता। बड़ा कानून का बाप बना फिरता था, बोल गोली खाएगा या सड़क पर अंडे की तरह फट के मरेगा, बोल। दोनों तो दोजख पहुंच चुके। अबे इन दोनों को तूने क्यों मार दिया एक गधे? गधे के बड़े भाई जान, अगर मैं इन दोनों को ना मारता तो ये तुम्हें मार देते और मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकता हूं। ये बताओ तुम ऊपर कैसे आए? दोस्त हूं, पीछे रह सकता हूं लेकिन साथ नहीं छोड़ सकता। साथ तो मैं भी तुम्हारा नहीं छोड़ सकता बेवकूफ। बेवकूफ? एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से बेवकूफ कह रहा है। या अल्लाह ये कैसा जमाना आ गया है। अबे गधे तुझे पता है तूने क्या किया है? काले नाग का पता बताने वालों की जुबान चुप कर दी है, खामोश कर दी है, इन्हें मार दिया जान से। चलो आओ। अब मुझे बाहर निकालो, पानी पिलाओ। अरे अम्मा जी आ गया मेरा बेटा, कहाँ इतनी देर कर दी आज? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी मिशन पर गया हुआ था, बस वही देर होगी। हाँ पानी। कौन है अंदर? अंदर राजा। राजा? कौन राजा? एक चोर है माँ जी। चोर और हमारे घर में? वो क्या है माँ जी, अपनी जिम्मेदारी पर एक तफ्तीश के लिए साथ रखा हुआ था। हाँ? रात हो गई थी। हाँ? इसीलिए घर ले आया। लो घर ले आया है तो फिर कैद कैसी? जो दहलीज पार करके आए वो मेहमान होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये हमारे खानदान की रीत है बेटा। चाबी इधर दे, चाबी दे माँ जी। हा? अरे बात तो सुनो माँ जी। अरे ओ माँ जी क्या कर रही हो? आए ओ, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी माँ जी। माँ जी आपने इसे क्यों खोल दिया? माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो किसी चोर की हो या पुलिस इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर साहब ये लोहे की रस्सी तो खोल दे। खोल दे बेटा, अब ये कहाँ जाएगा? अरे माँ जी आपको पता नहीं ये बहुत बड़ा 420 है। 420 था मगर अब नहीं रहा, इसलिए कि मैंने पहले कभी माँ नहीं देखी थी, आज देखी है तो ऐसा लगा जैसे झूठ की आग पर सच की बरसात हो रही हो। पता नहीं क्यों जी चाहता है कि सारी जिंदगी इस घर में गुजार दूं। इस घर में? ये घर तेरे बाप का है क्या? एक ही बात है, तुम्हारे और मेरे बाप में कोई फर्क है क्यों माँ जी? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बेटा। ये तस्वीर किसकी है? बड़ी रोब से खिंचवाई हुई है भाई। ये तस्वीर मेरे वालिद साहब की है और ये भी चोरों के बहुत बड़े दुश्मन थे। और एक दिन इसी रास्ते पर
बेरहम काले नाग ने इन्हें शहीद कर दिया। काला नाग? उससे तो मैंने अपना बदला भी लेना है। अब कभी मेरे सामने आ गया तो सबसे पहले अपनी मां के आंसुओं का इंतकाम लूंगा, बाद में अपना बदला। बॉस, ये है वो पार्टी जो बॉर्डर पार से असला समगल करवाना चाहती है। वही कुर्बान नाले की जान, वही तुम तो लिपापा देखकर खत का मजमून पढ़ लेती है। वल्ला हमको हमारा कुल्ली का कसम, असला पहुंचते ही काबली वाला तुमको। एक खाना खराब की बची, इधर माला माल के चक्कर में हमारे बच्चों का रोटी छीनता। ए कौन हो तुम? ए साहब, हम इस काबली वाले का औरत बेगम जान, अच्छा खासा ये हमारे साथ खपरा बेचती थी, मगर इस मनहूस ने असला बेचने पर मजबूर कर दिया। ए साहब, इसको बोलो बेचना है तो खपरा बेचे, अपना आप बेचे, मगर ऐसी चीजें तो मत बेचे जो दूसरों के लिए मौत बन जाए। तुम दोनों की जिंदगी मौत में मैं बदलूंगा, इसलिए अपने नकली गेटअप उतार कर अपने असली रूप में आ जाओ। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हीरो के बगैर तुझे तेरी बहन नहीं मौत मिल सकती है। मौत नहीं। अबे साली, मेरे साथ किसका पंगा लेना तो समझ में आता है, लेकिन मौत को खाला कहने तू यहाँ क्यों आ गई? इसलिए कि मैं अरबाज से प्यार करती हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे तो क्या मौत से भी टकरा सकती हूँ। तो फिर आज ये तो मरेगा ही, तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू रोज मरेगी और रोज जिएगी। जिंदा रहने दो, ये जिंदा रहेगा तो अपनी बहन को लेने आएगा, अपनी बहन को लेने आएगा तो हीरे साथ लाएगा। अब ये अड्डा हमें छोड़ना पड़ेगा। अरे ओ छुकरिया, न तू हमारी तरफ हैरत से देख, ना हम तुम्हारी तरफ प्यार से देखें। हमको सिर्फ इतना बताई दे, हीरे कहां रखे री? तुम यहां कैसे पहुंच गए? अरे घरों में दरवाजे ही नहीं, रोशनदान और खिड़कियां भी होती हैं। इसक और इंतकाम, दरवाजे बंद होना तो खिड़की के जरिए अंदर आ जाती है। इसमें पूरी 9 गोलियां हैं। अरे हीरे हमरे हवाले कर दे, वरना। ऐसा ना करना यक्का जान, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, भूल गए क्या? अरे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने हमरे साथ क्या किया है। जानती हो क्या किया है? हमरी मोहब्बत की जेब काटी है तुमने। हाँ, हमरे एतबार की इसमत दरी किया है तुमने। यक्का जान, दूसरी गोली ना चलाना। नहीं चलाते हैं, हीरे हमरे हवाले कर दो। वो हीरे जाओ। ये लो यक्का जान। आओ अब प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें, दिले गुलजार करें।
नहीं, तुम बहुत संगदिल आदमी हो, हीरो के लिए मुझे मारना चाहते थे। अरे नहीं हमरी जान, हम तो तुझे जिंदा अपनी बाहों में देखना चाहते हैं। अरे इस दुनिया में बुरे आदमी भी एक दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। अरे ये हीरे क्या है हमरी जान, यक्का पहलवान अपनी जिंदगी के सारे यक्के तुझ पे कुर्बान कर दे, ये ले। सच हैदर बेटा आ गया। मां हैदर बेटा नाश्ता कर लो। हाँ। मैं राजा को बुलाती हूँ, वो भी नाश्ता कर लो। उसके कमरे को ताला लगा हुआ है। हाँ। क्यों लगा हुआ है ताला? इसलिए ताला लगा हुआ है माँ के मुजरिम की निगरानी मेरा फर्ज है। आ, आ, उसको मैं लेकर आती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो माँ। ओफो हैं? ताला तो खुला हुआ है। हैदर राजा कहाँ चला गया? जहां उसे जाना चाहिए था। लहराने की उम्र है प्यास बुझाने की,
आजा हम एक जान बने, दो दिल एक अरमान बने। आग लगाऊंगी, आग बुझाऊंगी, जागूंगी खुद भी, तुझको जगाऊंगी। तू है मेरा दिलदार, ओए मेरे दिल भर जानी। तू है मेरा दिलदार, ओए मेरे दिल भर जानी। ओ सपनों में आऊंगा, नींदें उड़ाऊंगा, वादा किया है जो वादा निभाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरे दिल भर जानी। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरे दिल भर जानी। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरे दिल भर जानी। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरे दिल भर जानी। तेरे बगैर न दिन कटता था और न रात गुजरती थी राजा। तू भी मुझे याद करता था ना? नहीं। तू मुझे याद भी नहीं करता था? अरे पगली, याद तो उसे किया जाता है जिसे कभी बुलाया जा सके। तुम तो मुझे यूं याद आती थी जैसे सांस आती हो। सच? मुझ चंदा, ये तीसरा हाथ भी तुम्हारा है? अच्छू, ये हाथ मेरा है। तुम यहां भी आ गए? हाँ, कानून से भागा तो जा सकता है लेकिन बचा नहीं जा सकता, समझे? तुम पुराने शिकारी की तरह जानते थे कि शेर प्यासा हो तो दरिया पे आता है। तुमने शेर पकड़ना था, पकड़ लिया। पकड़ लो ना, तो तुम शेर हो और ना मैं शिकारी। तुम चोर हो और मैं सिपाही। चलो। ओ, ओ, देखो वो। अच्छा चंदा, खुदा हाफिज। राजा, तुम्हारा तो खुदा ही हाफिज। तेरे कारोबार की मजबूरी ने आज तक तेरे बाप का इंतजार किया मगर वो नहीं आया, नहीं आया। मगर अब तेरी इज्जत भी नहीं रहेगी। बाप लालची हो तो बेटियां अजनबी बाहों में आते हुए पत्थर नहीं, मोम की तरह पिघल जाती है। चीफ, देखते नहीं हो हम शिकार खेल रहे हैं? सुल्तान आज जेल से बाहर आ रहा है। ओ, अच्छा हुआ शिकार पर गोली चलाने से पहले तुम ये खबर ले आए। जाओ से मिलो और याद दिलाओ कि उसकी बेटी हमारे पास है और हमारे हीरे उसके पास है। भूल गया हो तो हमारे पास लेकर आओ उस नमक हराम को, हम उसके लहू से वो हीरे निकाल लेंगे। अबू, आहा, अब ठीक तो है ना? टैक्सी आइए। मंगू, तुम? चीफ का पैगाम है सुल्तान, अगर हीरे ना मिले तो बेटी कभी नहीं मिलेगी। नहीं मंगू, नहीं। चीफ से कहो कि कल मेरी बेटी को लेकर शहर से बाहर कंठन में आ जाए, हीरे उसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ चला के की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा उसका। अब क्या होगा अरबाज? कुछ नहीं होगा अब्बू, आप एक बार काले नाक को खंडर पहुंचने तो दें। Thank you.
हीरे लेकर आ गया हूं। मेरी बेटी वापस कर दो। पहले हीरो वाला ब्रीफकेस मेरी तरफ फेंको। एक हाथ दो, एक हाथ दो। तो फिर ये लो। हेलो। हाँ ब्रैकेट, कल तुम पुराने ठिकाने पर या परसों काली पहाड़ी पर पहुंच जाना। धोखा करता है हरामजादे। हीरे तो ब्रैकेट के पास है। अब तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। जिंदा तो अब तुम नहीं रहोगे काला नाग। अच्छा, बाप की साजिश के पीछे दिमाग चलाक बेटे का है, अपना दिमाग भी लूमड़ी जैसा है बरखुरदार। जरा पीछे घूम कर देख। इस जगह पर आने से पहले अपना पूरा बंदोबस्त करके आया हूं। बंदोबस्त तो आज हम तुम्हारा करके आया काला नाग। जोर की औलाद तो फिर बच गया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं काला नाग के पीछे जाता हूं। ये क्या हो गया? बुरे काम का बुरा नतीजा। अरबाज, तुम इन्हें अस्पताल लेकर चलो। नहीं नहीं राजा बेटा, मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे मां बाप के बारे में बताकर नेकी कमाना चाहता हूं। मेरे माँ बाप कौन है? मेरे माँ बाप तो किसी चोर का बेटा नहीं, बल्कि हैदर का भाई और इंस्पेक्टर दलावर का बेटा है। इसे कत्ल करके काला नाग उठा लाया था। और अब काले नाग का पता ब्लैक कैट ही बता सकती है, जिसके पास हीरे हैं। अंकल, आपकी मौत ने जो सच कहा है, मैं उसे उस वक्त तक राज रखूंगा जब तक मैं अपनी यतीमी के दुख, बाप का लहू
और मां के आंसुओं का इंतकाम काला नाग की मौत से नहीं ले लेता। जब तक मौत काला नाग को गले नहीं लगाती, तब तक मैं भी अपनी मां के कदमों में सर नहीं रखूंगा और ना ही अपने भाई को गले लगाऊंगा। बेगम नाही बादशाह अमरी जान, हमें कहते हैं जक्का पहलवान, और ये जगह हमने गुलजरीन से नए जुए खाने के लिए खरीदी है। और तू किस बिल में से निकल आया है काला नाग? जक्का पहलवान, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह चाहिए। अरे पनाह तो तुझे सारी जिंदगी के लिए चाहिए, इसलिए कि पुलिस से बचोगे तो हीरा सेठ से पिटोगे, क्योंकि हीरे तुम्हारे पास नहीं हमारे पास है। लेकिन हीरे तो ब्लैक कैट के पास हैं। अरे ब्लैक कैट तो अब हमारी जाने जिगर है, वो हमारी मर्जी के बगैर हीरे तो क्या, वो तुम्हें धक्का भी नहीं मारेगी। अब हीरा सेठ को हीरे देकर 1 करोड़ रुपया हम वसूल करेंगे हम। तुम्हें तो उस वक्त कत्ल कर देना चाहिए था जब तुमने मेरे साथी सुल्तान को गद्दारी करने पर आमादा किया था। अब इससे पहले कि ब्लैक कैट काले नाग से गद्दारी करे, मैं उसे तेरी लाश तोहफे में भेजूंगा। नहीं बेगम, नहीं बादशाह अमरी जान, बुरे कामों का बुरा ही अंजाम। तुम्हारा बाप काला नाग किधर है? बताओ। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना।
अब काला नाग तक तुम नहीं, तुम्हारी लाश है पहुंचेगी। कालानाग की खातिर अगर लाशें गिराने का शौक पूरा नहीं हुआ तो एक लाश मैं भी तुझे दिखाता हूं, ब्लैक कैट, जिसे देखकर तुझे पता चलेगा कि सांप को दूध पिलाने वाले एक दिन उसी के डसने से मरते हैं। देख इसे, हीरे हासिल करने के बाद काला नाग तुझे भी कुत्ते की मौत इसी तरह मारेगा, इसी तरह। देख इसे, गुड, वेरी गुड। हीरे ले आई? हाँ, ये लो काला नाक। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू। वेलकम हीरा सेठ, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आज तुम्हारे आने की खुशी में काला नाक नाचेगा भी और नचाने का भी। काला नाग हीरा सेठ वो बिजनेसमैन है जो बिजनेस के वक्त लौंडी तो क्या ऊंट की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता। कसूर तुम्हारा नहीं हीरा सेठ, तकाजा उम्र का है। काला नाग राज की बात बताऊं, जवान तुम भी नहीं रहे। मेरा मतलब है जेब को ढीला करो और हीरे वसूल करो। इन हीरों की चाट से मरेगा या फांसी के फंदे से, कानून तेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। काला नाग एहतराम करेगा। कानून से बचने की कोशिश करोगे तो मुझसे पिटोगे। खुदकुशी करने से कतराओगे तो कुत्ते की मौत मर जाओगे। इंस्पेक्टर, इन चोरों को अपना सिपाही बनाकर काले नाग जैसे तूफान को संजीरों में जकड़ने आए हो? नहीं! अरे पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां तो तुम्हें लग जाएंगी जब तुम उधर देखोगे। मां, मां, तुम्हारी मां के गले में टाइम बम है इंस्पेक्टर, जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। हथियार पहन दो इंस्पेक्टर, वरना मेरे बटन दबाने का ठीक 2 मिनट बाद तुम्हारी मां के चीथड़े उड़ जाएंगे। मैं मरती हूं तो मर जाऊं, मगर कौम और मुल्क के दुश्मन और तुम्हारे बाप के कातिल
और मुझसे मेरा बेटा छीनने वाले इस काले नाग को मत छोड़ना हैदर बेटे। नहीं मां नहीं, जब तक का साया तो इस कमीने ने मेरे बचपन में मुझसे छीन लिया था। मां की ममता की गोद भी ना रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मां कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मां हीरा सेठ, हीरो के साथ साथ काला नाग आज तुम्हें अपने और तुम्हारे दुश्मनों की लाशों के तोहफे भी देगा। जुर्म की दुनिया के ये प्यादे मैंने मार दिए हैं। बादशाह और वजीर का बैंड बजा, तुम बजा दो राजा। टाइम बम के रिमोट का बटन दबा दो काला नाग। सारी जिंदगी अपने भाई को कभी भी नहीं मिल सकेगा। रुक जाओ राजा। नहीं इंस्पेक्टर, आज मेरे इंतकाम का सूरज सवानेजे पर आ चुका है। तुम भी रुक जाओ और बस। नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपनी बहन और बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका खून ही मेरे इंतकाम की मंजिल है। काला नाग को खत्म करके
तुम दोनों ने मेरे बिछड़े हुए भाई से मिलने की उम्मीद को खत्म किया है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे खत्म करने से पहले अपने सीने से जरूर लगा लेना बड़े भाई, क्योंकि इस चोर ने कसम खाई थी कि अपने सपाई भाई और मां के गले से तब लगेगा जब अपने बाप के कातिल को खत्म कर देगा। भाई भाई इंस्पेक्टर साहब, राजा वाकई आपका भाई है जिसका सबूत मेरे मरते हुए बाप ने दिया था, और मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता इंस्पेक्टर साहब। भाई मेरा भाई राजा भाई एक मां के दो बेटे, एक चोर, एक सिपाही, नहीं सिर्फ भाई भाई भाई